Finally, the wait is over. Competition community is all set to fulfill the dreams of thousands of English medium students of the state as we are up with a well-designed English medium course for the CGPAC prelims exam. In this course I have dealt with two subjects, quality and history, in a manner which would help in exam-oriented understanding of the subject without compromising the language of your choice. So go for it because it would definitely suffice without compromise. नमस्कार एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी माय नेम इज नेम्स गिरी एंड वी आर लर्निंग छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज तो ये जो प्री हिस्टोरिक लोकेशन है इसमें बेसिकली हमको क्या क्या पढ़ना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स उसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ रॉक आर्ट्स तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पे एक पर्टिकुलर टाइप के रॉक आर्ट्स मिले हैं उनके बारे में भी देखेंगे और हम इन जनरल पूरे छत्तीसगढ़ में कैसे रॉक आर्ट्स मिले हैं उनके बारे में भी देखने वाले हैं इसके बाद हम देखेंगे यहां पे कहां कहां से हमें किस एज की वेपनरीज मिली हैं और फाइनली हम देखने वाले हैं क्या तो मेगालिथिक मोन्यूमेंट्स तो मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स और कुछ साइट्स को ऑलरेडी हम देख चुके हैं कहां पे तो में साथ ही डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा बहुत आर्ट भी हमने देख लिया था आइए अब करते हैं इनको डिटेल्स में डिस्कस तो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं क्या प्रीहिस्टोरिक लोकेशंस को तो देखिए पहला एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोरिया कोरिया में हमने दो लोकेशंस देखे थे क्या एक देखा था हमने कोहा बोर और दूसरा घोड़सार तो क्या नाम तो क्या नाम कोरिया डिस्ट्रिक्ट में कोहा बोर और घोड़सार अब हम आ जाते हैं इन दी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हमने देखा क्या तो सिंघनपुर इसके अलावा हमने देखा था कबरा हिल तो ये डिस्ट्रिक्ट में देख लिया था सिंघनपुर एंड कबरा हिल इसके अलावा भी यहां पे कुछ प्रीहिस्टोरिक साइट्स हैं उनको देख लेते हैं तो एक है वो तल्दा। फिर है कमरागढ़ फिर है कोरागढ़ इसके बाद है भावरखोल, उसके बाद है गिद्दा इसके बाद है लेखाबाड़ा फिर है सोनबरसा इसके बाद है बसनाझार और फिर है ओंगना क्या नाम ओंगना उसके बाद है सिरोली डोंगरी फिर है बेनी पाट नेक्स्ट है सूती घाट और फाइनली है खैरपुर तो आप देखें कि पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे प्रीहिस्टोरिक साइट्स इसीलिए इसे कहते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को शैल आश्रयों का गढ़ फोर्ट ऑफ रॉक शेल्टर्स तो आप देखिए कितने सारे प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं इसीलिए कहते हैं दि फोर्ट ऑफ रॉक शेल्टर्स या शेल का गढ़ तो किसे कहते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ अब इसके बाद हम आ जाते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में तो हम आ जाते हैं दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक लोकेशन है जिसका नाम है क्या तो अर्जुनी वॉट इज देशम अर्जुनी इसके बाद हम आ जाते हैं बालोद डिस्ट्रिक्ट में तो मैंने आपको बताया था क्या चितवा डोंगरी आपको सभी बुक्स में राजनाथ गांव मिलेगा लेकिन गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट पब्लिकेशन के हिसाब से इसको बालोद डिस्ट्रिक्ट में बता रहा है इसलिए मैं आपको बालोद डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूं तो क्या है बालोद डिस्ट्रिक्ट में चितवा डोंगरी क्लियर इसके अलावा बालोद डिस्ट्रिक्ट में कुछ मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स भी हैं जिनको हम सेपरेटली देखेंगे इसके बाद है छत्तीसगढ़ का कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट और कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में है क्या तो है लिम तो क्या है लिम दरिहा क्लियर तो इसके बाद बस्तर डिविजन में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है क्या तो कांकेर डिस्ट्रिक्ट तो कांकेर डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको बताया था जब हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे थे गोटी टोला उसके बाद मैंने बताया था खैर खेड़ा फिर मैंने बताया था कुलगांव फिर मैंने बताया था कान्हा गांव उड़कुड़ा क्या नाम है उड़कुड़ा तो गोटी टोला खैर खेड़ा उड़कुड़ा कुलगांव और कान्हा गांव तो हमने क्या क्या देखा है तो वी स्टार्टेड विद दी सरगुजा डिवीजन और सरगुजा डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका क्या नाम तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट अब ये जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है यहां पे हमने देखा कोहाबोर और घोड़साल उसके बाद बिलासपुर डिविजन में एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम रायगढ़ तो रायगढ़ में सिंघनपुर कबरा हिल तो हमने देखा ही था फिर मैंने बताया आपको क्या तो मैंने बताया बोतलदा फिर मैंने बताया कमरागढ़ कोरागढ़ भावर खोल और गिद्दा इसके बाद मैंने बताया लेखाबाड़ा सोनबरसा बसनाझार ओंगना उसके बाद सिरोली डोंगरी और उसके बाद मैंने आपको बताया क्या तो बेनीपाट सूती घाट और फाइनली खैरपुर इसके बाद हम आए दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में तो मैंने आपको बताया दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में अर्जुनी बालोद में जब आए तो मैंने बताया चितवा डोंगरी फाइनली बस्तर डिवीजन में तो बस्तर डिवीजन में हमने देखा पहले कोंडागांव जहां पे देखा लिमदरिया और उसके बाद हमने देखा कांकेर तो कांकेर में देखा हमने क्या तो गोटी टोला खैर खेड़ा उड़कुड़ा और उसके बाद हमने देखा है कौन कौन से दो लोकेशन तो कुलगांव एंड कान्हा गांव सो दीज आर सम ऑफ दी प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ छत्तीसगढ़ अब अगर हम आ जाए आर्ट्स पे तो सबसे पहले आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में इन जनरल कैसे रॉक आर्ट्स मिले हैं तो जनरलाइज्ड मैनर में हम बात करें तो ह्यूमन फॉर्म्स देखने को मिलते हैं एनिमल्स देखने को मिलते हैं जियोमेट्रिक फॉर्म्स देखने को मिलते हैं इसके अलावा हमको देखने को मिलते हैं हंटिंग सीन्स तो ह्यूमन फॉर्म्स एनिमल फॉर्म्स हंटिंग सीन्स और फाइनली मैंने आपको क्या बताया जियोमेट्रिक फॉर्म्स या जियोमेट्रिक शेप्स तो ये हैं बेसिक टाइप के क्या तो रॉक आर्ट्स लेकिन कुछ एक ऐसे लोकेशन है जहां पे पर्टिकुलरली कुछ रॉक आर्ट्स मिले हैं फॉर एग्जाम्पल सिंघनपुर तो सिंघनपुर में हमें मिली है एक मरमेड का फॉर्म तो एकदम क्लियर मरमेड तो नहीं दिख रही है लेकिन इंस्क्रिप्शन में देखने से ऐसा लगता है कि इट इज अ पिक्चर ऑफ अ मरमेड तो सिंघनपुर में मेड उसके बाद है हिल वहां पे रेड लिजर्ड तो एक लिजर्ड का फॉर्म देखने को मिल रहा है जिसका कलर कैसा है तो रेड या हिंदी में इसको गेरू कहते हैं इंग्लिश में ऑरेंजिश रेड कह सकते हैं आप इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तो हम आ जाते हैं कहा तो आ जाते हैं हम चितवा डोंगरी चितवा डोंगरी में क्या मिला है तो एक चाइनीज फिगर जो कि डोंकी पर राइड कर रहा है तो क्या मिला है अ चाइनीज फिगर राइडिंग डोंकी सी एफ आर डी चाइनीज फिगर राइडिंग डोंकी तो चाइनीज फिगर राइडिंग डोंकी ये हमको कहां देखने को मिलता है तो चितवा डोंगरी में इसके अलावा यहां पे एक ड्रैगन का फॉर्म भी देखने को मिलता है और फाइनली है क्या तो गोटी टोला तो ये जो गोटी टोला है यहां से हमें देखने को मिलता है एक एलियन का फॉर्म किसका फॉर्म तो एलियन तो देखने से ऐसा लगता है कि ये एलियन का एक आकृति या एक फॉर्म है तो ये चार बेसिकली आपको रोकात से याद रखने कि ये स्पेसिफिकली कहां कहां से मिले नेक्स्ट प्री हिस्टोरिक एज में हमको देखना था मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स। तो मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स में मैंने आपको बताया था कौन सा डिस्ट्रिक्ट तो बालोद और बालोद में मैंने आपको बताया था लोकेशन थे सोरर चिरचारी इसके बाद मैंने बताया था करही भादर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था करका भाटा का भाठा और मैंने आपको बताया था मुज गहन तो दीज वी लोकेशन ऑफ मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स फिर से आपको बता दूं पाषाण घेरे बोलते हैं मेगालिथिक मेगा मतलब बड़े लिथ मतलब पत्थर तो ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े ग्रेव स्टोन्स हैं क्लियर कहां से तो बालोड डिस्ट्रिक्ट सोर चौचारी करीबर करका बांटा और मुजगहन इसके अलावा लेटेस्ट में इस धमतरी डिस्ट्रिक्ट के गंगरेल से भी मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स मिले हैं तो धमतरी के कहां से गंगरेल से भी मिले हैं मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो वेपेनरीज मिली है तो देखिए प्री हिस्टोरिक एज को फिर से क्लासिफाई किया गया है पेलियोलिथिक मेसोलिथिक लेट मेसोलिथिक और नियोलिथिक एजेस में इस हिस्टोरिकल डिवीजन के बारे में आप डिटेल में इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे यहां पे जरूरत नहीं है यहां सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि ये जो वेपनरीज मिली हैं ये छत्तीसगढ़ के किस-किस लोकेशन से हमें मिली है। तो पैलीओलिथिक एज की वेपनरीज मिली हैं तो पहले महा नदी वैली से इसके अलावा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोकेशंस हमने पढ़े जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कबरा हिल आपको याद होगा कबरा हिल के बाद और कहां से मिलती है तो मिलती है बोतलदा से इसके अलावा तो मिलती है कहां से तो भावर खोल से फिर गिद्दा से इसके अलावा सोन बरसा से क्लियर तो ये है क्या तो पेलियोलिथिक एज की वेपनरीज कहां, कहां से मिली तो महानदी वैली कब्राहिल बोतलदा भावर खोल गिद्दा और सोनबरसा ये सारे लोकेशन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हैं। इनको ऑलरेडी हम देख चुके हैं अब एज की बात करें तो एज की वेपनरीज कहां से मिली हैं तो मिली हैं गढ़ चंदेला और राजपुर क्लियर कहां कहां से गढ़ चंदेला और राजपुर इसके बाद है लेट मीजोलिथिक तो ये मिली हैं कहां से तो कबराहिल और फाइनली है एज तो मिली है अर्जुनी टेरम शितवा डोंगरी और फाइनली बोम टीला तो अर्जुनी दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में टेरम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चितवा डोंगरी हम देख चुके हैं कहां पे तो बालोद में बोमटीला राजनाथ गांव डिस्ट्रिक्ट में तो कहां से अर्जुनी टेरम चितवा डोंगरी और बोमटीला तो ये बेसिकली छत्तीसगढ़ की वेपनरीज जो हमने देखा पेलियोलिथिक एज एज लेट मीजोलिथिकोलिथिक और नियोलिथिक एज तो पेलियोलिथिक एज में हमने देखा था महानदी वैली इसके अलावा हमने क्या देखा तो हमने देखा कबरा हिल बोतलदा इसके अलावा भावरखोल गिद्दा और सोनबरसा थिक एज में हमने देखा है गढ़चंदेला और राजपुर लेट मीजो में हमने देखा कब्राहिल और फाइनली नियोलिथिक एज हमने देखा है अर्जुनी चितवा डोंगरी और बोम टीला फिर से बता दूं कि लास्ट में लिखा है चितवा डोंगरी तो ये था छत्तीसगढ़ में प्री हिस्टोरिक एज के फाइंडिंग्स जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक साइट भी देखे वेपनरीज भी देखे और साथ में हमने क्या देखे हैं तो देखे हैं मेगालिथिक सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।